आज मेरे किचन में बन रही है सैलड, और ये सैलड मैं मेयोनीज और चीज़ के साथ बनाने वाली हूँ। इतनी यमी होती है फ्रेंड्स कि अगर आप इसे एक बार बना के खाएंगे, बार बार इसे खाना पसंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को, मेरा ट्रीट्स 26 में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलजा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सैलड की रेसिपी, जैसा मैंने बताया। और फ्रेंड्स, आपने रेस्टोरेंट में तो बहुत बार बहुत तरह की सैलड खाई होगी, लेकिन ये जो सैलड मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल नई सैलड है और आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो एक बॉल में सबसे पहले मैंने डाल दिया है कैबेज, उसके बाद मैं डाल रही हूँ रेड कैबेज। तो फ्रेंड्स, रेड कैबेज ऑप्शनल है, अगर आपको सुपर मार्केट में ये मिलती है तो आप इसे ज़रूर इस सैलड में इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ गाजर, तो गाजर को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब गाजर के ऊपर मैं डालूंगी खीरा, तो खीरा और गाजर को लगभग मैंने एक जैसा ही काटा है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ फ्रेश हरी धनिया की पत्तियाँ और पुदीना की पत्तियाँ, दोनों को मैंने एक साथ डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत यमी दिखते भी है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 10 से 15 मूंगफली, इसे मैंने तेल में थोड़ा सा तल लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़ क्यूब्स, तो मैंने 2 चीज़ क्यूब्स को इस तरह से काट लिया है। अब चीज़ के बाद मैं डाल रही हूँ नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और आप चाहें फ्रेंड्स तो इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब मेयोनीज, तो ये प्लेन मेयोनीज मैंने लिया है फ्रेंड्स। तो मेयोनीज और चीज़ डालने से सैलड का टेस्ट एकदम सुपर हो जाता है। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, तो यहाँ स्पैचुला से मैं मिला ले रही हूँ सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये जो सैलड है जैसा मैंने बताया बहुत ही यमी होती है, आप इसे घर पे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया, लग रही है ना कितनी यमी कितनी टेस्टी। तो ये जल्दी बन भी गई, तो तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स हमारी मिक्स सैलड विथ मेयोनीज एंड चीज़। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और इस सैलड को घर पे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर अच्छी लगी होगी आज की वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। आगे भी मैं ऐसी यमी और डिलिशियस रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।